होली के सामानों की हो रही बिक्री। शनिवार की सुबह झमाझम बारिश से शहर का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। तेज बारिश से शहर के विभिन्न मोहल्ले जैसे चितकूप नगर, शास्त्री नगर, चांदनी चौक, समाहरणालय परिसर के आसपास जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जिससे शहर के लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। रोड जो बनाया गया है ना, वो बहुत डाउन रोड बना दिया गया है। रोड ढंग से नहीं बनाया गया, जिसके कारण पानी का जमाव लग जाता है। महल्ला चितकूप नगर वार्ड नंबर 21, ये अररिया का टापू है। थोड़ा सा भी पानी पड़ने पर समूचा सड़क, ये टाउन हॉल से जो आती है सड़क, वो चितकूप नगर का या समूचा बिल्कुल भर जाता है। पैदल चलना मुश्किल। और दूसरी बात है कि यहाँ पर म्यूनिसिपल रोड्स जो है वो बहुत मेंटेन नहीं है। इन लोग क्या कर रहे हैं, नाला है बिल्कुल, उसको डिस्कनेक्ट नाला कहीं ले जाके कहीं छोड़ दिया है। पूरा चितकूप नगर का दक्षिणी इलाका नाली के गंदे पानी से भरा रहता है। ये बताइए कि बारिश हो रहा है, इससे जल जमाव जो हो रहा है, इससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी ये हो रहा है कि पानी पास नहीं हो रहा है। पानी लगा हो रहता है, हर दुकान में पानी लगा हुआ रहता है, कस्टमर को भी नहीं आ सकता। नाम आपका? नाम है आशोक कुमार पंडित। कि जो अब बारिश से क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? बारिश हो रही है कि अब पानी लग गया, जैसे रोड में गली व्यवस्था नहीं है। उसके बाद रोड बनने के बाद आपको बात बनने के बाद देखिए आया इंजीनियर, बस पार चल गया। देखिए कब रोड बन जाए, लड़ी कब बनेगा। नाम पवन पंडित। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लोकल जो ऑनलाइन है NSTV, इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एंटरटेन करें। और यहाँ का जो अररिया का जो लोकल NSTV है, आप इसको पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अररिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच हर्ष का माहौल है। आज का जीत ऐतिहासिक जीत है और इससे हम अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। युवा को दिग्भ्रमित करने का काम विपक्षी लोगों ने किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कहा कि नोटबंदी से देश की हालत खराब हो जाएगी, जबकि GDP दर उसका ग्रोथ किया और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सेना पर सवाल उठाया गया, देशद्रोही को नकारा है। ऐसे पार्टी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और देश के हित में चाहने वाला जो भाजपा पार्टी है, नरेंद्र मोदी का जलवा और भाजपा कार्यकर्ता का जो ताकत है वो दिखाई पड़ा है। अररिया जिला वासियों को, खासकर संपूर्ण बिहार में अररिया जिलावासी को आज होली के पावन त्यौहार पे हार्दिक बधाई और शुभकामना है। आज होली के शुभ अवसर पर
भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हैं।